नंबर ऑफ ब्रीथ्स पे है. सो वेरी सिंपल लॉजिक है कि यदि आप आपकी ब्रीथ कंट्रोल करो तो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इयर्स योर लाइफ विल इंक्रीज, है ना. सो दैट इज सो इम्पॉर्टेंट, दैट इज सो इम्पॉर्टेंट. सो ब्रीदिंग इज द फर्स्ट. सो ब्रीदिंग को कंट्रोल करने के बहुत टेक्निक्स हैं. आई विल नॉट गो इन टू डिटेल बिकॉज वी हैव टू सी द अदर एस्पेक्ट ऑल्सो, बट लेटर ऑन वी कैन गो इन टू मोर डिटेल ऑन दिस बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट. सो ब्रीदिंग की चार, द वे यू शुड ब्रीद इज फोर स्टेजेस ऑफ ब्रीदिंग. वो भी हमें ये नहीं होता है, वी डोंट रियलाइज, बिकॉज ब्रीदिंग इज अ ऑटोमेटिक फंक्शन ऑफ द बॉडी, यू नो. सो whether you are sleeping or doing, the breathing is continuing and heart is beating. So breathing ke char stages. So ye awareness hame badhani hai when every time we breathe in. The first awareness is that main breathe kar raha hu, ye awareness hi hamari hoti nahi, automatic chal raha hai. So first awareness is that you should feel the breath coming in, you should feel the breath going out. सो जिससे बॉडी सेंसिटिविटी आपकी बढ़ेगी. सो क्या होता है कि ब्रीथ लिया हमने, द फोर स्टेजेस, यू टेक द ब्रीथ इन, द स्टमक हैज टू गो आउट. नॉर्मली वी टेक इट इन, सो दैट इज अ रॉन्ग वे ऑफ ब्रीथिंग. सो व्हेन यू ब्रीथ इन द स्टमक विल गो आउट, सो दैट योर डायफ्राम जो है ब्रीथिंग का दैट एक्सपांड्स एंड यू कैन ब्रीथ मोर एयर. सो then you stop, hold it there. तो समझ लो कि normal breathing बहुत सी लोगों की यहाँ तक जाती है, कहाँ यहाँ तक जाती है, but it should go to the navel center. Your breath must go to the navel center. And you hold it there and then it will return the path and come out, exhale. Okay? So rechan कहते हैं हम हिंदी में, तो रेचन हो गया. एंड देन बिफोर यू टेक द नेक्स्ट ब्रीथ यू होल्ड देयर, तो दैट इज अ बाह्य कुंभक, वो बाह्य कुंभक हो गया. सो भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए बाह्य कुंभक इज इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट. उसका कारण मैंने बताया था, फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ब्रीथ जो हम कहते हैं कि साइंस, अभी का साइंस कहता है कि ऑक्सीजन लेते हैं, बट रियली वी आर टेकिंग द प्राण शक्ति. ऑक्सीजन तो आ ही रहा है, बट रियल वॉट वी आर टेकिंग इज अ प्राण शक्ति. जो एग्जिस्टेंस में प्राण शक्ति है वो हम ब्रीथ के साथ लेते हैं, एंड दैट प्राण शक्ति इज मोर इम्पॉर्टेंट देन ऑक्सीजन, बिकॉज अवर लाइफ डिपेंड्स ऑन दैट. सो दैट इज द एनर्जी विच इज कीपिंग अस अलाइव. सो प्राण शक्ति जो आ गई है अंदर, तो बाह्य कुंभक करेंगे तो प्राण शक्ति आएगी नहीं इन दैट मच टाइम फ्रेम, और प्राण शक्ति नहीं आएगी तो हमने देखा था कि तेजस बॉडी तक आ गए हैं स्पंदन उसके, तो तेजस बॉडी से फिजिकल बॉडी में आने के लिए प्राण शक्ति की जरूरत है. तो आपने प्राण शक्ति को रोक दिया तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बंद हो गया. सो भावना उधर ही रुक गई, और जो क्रोध आ गया था वो उधर ही रुक गया, वहाँ से नीचे भी नहीं आ सकता है. फिर आप ब्रीथ को ले लेंगे तो फिर अगेन इट विल कम इन, व्हेन यू अगेन डू द बाह्य कुंभक इट विल स्टॉप, बट इफ यू डोंट डू बाह्य कुंभक देन द फ्लो कंटिन्यूस रहेगा. तो इस प्रकार से आप उसको रोक सकते हैं. सो इसीलिए जो ब्रीदिंग की बातें हैं तो उसको पहली फर्स्ट स्टेज में हमें कंट्रोल करनी पड़ेगी. तो ब्रीदिंग को रेगुलेट लेना है. ब्रीद इन, होल्ड इट, ब्रीद आउट, होल्ड इट, देन ब्रीद इन. ब्रीद इन है स्टमक विल गो आउट, ब्रीद आउट द स्टमक विल गो इन. सो समझ लो कुंभक भी हो गया, स्टमक बाहर था, अंदर गया, अंदर बाहर. सो फोर स्टेजेस जनरली द ब्रीद इन ब्रीद आउट टाइम शुड बी सेम. तो
वो सिंक्रोनाइज हो जाता है पूरा एंड कुंभक अंतर बाह्य कुंभक नॉर्मल ब्रीदिंग विल बी सेम. बट व्हेन आपको भावना कंट्रोल करनी है तो बाह्य कुंभक हैज टू बी इंक्रीज्ड. सो दिस इज द ब्रीदिंग टेक्निक और ब्रीदिंग से फिर सो दैट इज फर्स्ट स्टेप. सो दिस बिकॉज ब्रीद वी कैन कनेक्ट इजिली. सो विद दैट स्टेप देन नेक्स्ट स्टेप वी गो इन. तो ब्रीदिंग जो है कि व्हेन आप ब्रीद इन करते हो तो इट इज कोल्डर, ब्रीद आउट करते हो इट इज हॉटर. सो यू हैव टू फील द टेम्परेचर डिफरेंस अलॉन्ग विथ ब्रीथ फ्लो. सो नेक्स्ट टाइम योर द नेक्स्ट स्टेप इज फील द टेम्परेचर. It is going in, what is the temperature, how it is increasing, now it is reversing, now the temperature is still increasing, without temperature is much higher than within. So that awareness we have to build up. So, jo sharir ke andar sukshma ghatna ghat rahi hai, we are trying to get familiar with it first. So this we are still trying to familiarize. Abhi control is still at a later stage, you know, first you need to get familiarized. So this is the next step. So we are just still talking about only breathing. Then breathing ke saath jo hai baaki do teen cheeze hoti hai, because breath is a pudgal. To pudgal ke kya hote hai, sparsh rasa gandha varna, hai na, har ek pudgal ke char स्पर्श रसगंध वर्ण होते हैं सूक्ष्म पुद्गल के. तो स्पर्श रसगंध वर्ण, तो कोल्ड है हॉट हो रहा है तो वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द स्पर्श. रसगंध और वर्ण भी स्लोली स्लोली हमें विजुअलाइज करने हैं, फील करने हैं, बट वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट. सो दिस इज वन पार्ट. तो ब्रीदिंग हो गई है. नेक्स्ट पार्ट इज जो ब्लड फ्लो है हमारे बॉडी में, तो यू शुड स्टार्ट फीलिंग द ब्लड फ्लो. आप एकदम से रिलैक्स हो गए हैं एंड देन यू शुड स्टार्ट फीलिंग हाउ द ब्लड इज फ्लोइंग विच पार्ट. देर में भी कुछ एरिया होगा वहाँ पे ब्लड नहीं फ्लो होता है, तो देर दैट इज़ वेयर आपको डिसीज आती है ना, जहाँ ब्लड प्रॉपर फ्लो नहीं होती है, जहाँ प्राण शक्ति जाती नहीं है, वो वहाँ पर डिसीज हो जाती है बॉडी में. बाकी कोई कारण नहीं है. यदि वहाँ पे प्राण शक्ति और आपकी ब्रीद यानी ऑक्सीजन पहुँच गई तो पार्ट हेल्दी रहता है. तो फिर आप धीरे धीरे उसको फील करना है कि प्राण शक्ति मेरे शरीर में कैसी जा रही है, मेरी ब्लड कैसे फ्लो हो रही है. देन कम्स द एनर्जी फ्लो. सो दिस ऑल्सो यू कैन एक्सपीरियंस. अभी ये इसको भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो. तो कोई भी आप आँख बंद कर ले और कोई भी लड़ से एक उंगली को ऐसे करे और कुछ भी, सो यू विल फील दैट सडनली द चेतन शक्ति इज गोइंग देयर. जो भी आप एक्शन करते हो तो चेतन शक्ति फ्लोज देयर. तो इन द फर्स्ट स्टेज यू डू द एक्शन. तो आप आराम से सोए हो कायस्थ स्वर्ग मुद्रा में कंप्लीटली रिलैक्स, तो सडनली या तो पैर का अंगूठा हिलाओ या हाथ का फिंगर कुछ हिलाओ एंड यू विल फील कंप्लीटली, यू विल फील दैट योर चेतन शक्ति इज गोइंग देयर. सो वेर एवर देर इज एक्शन इन द बॉडी योर चेतन शक्ति गोज देयर. अनलेस चेतन शक्ति गोज द एक्शन कैन नॉट कम. द एक्शन इज started in the sukshma sharir, sukshma body, and its manifestation is in the sthul. तो स्थूल में जो भी है मगर उसकी कमांड जो है इनर से आ गई है कि भाई साहब, जैसे कि समझ लो कोई हॉट ये है और आपका फिंगर टच हो गया उधर, तो क्या होता है, द फिंगर इज नॉट गिविंग इंस्ट्रक्शन, वो मैसेज गोज टू द ब्रेन. The brain will process and say, hey guys, this is hot, very hot. And then another instruction will come,
move the finger. We don't know, we think it is just instant, but the real process kya ho gayi? Touch kiya aapne, woh sensation wahan tak chala gaya, brain ne process kiya. Hey, this is very hot, more hot than normal, dangerous for the body. Then the instruction is passed on the other part of the brain, and that says, hey guys, the finger must be quickly removed. So the action command comes, remove the finger. So this is all done instantly, but Chetan Shakti is moving. So usko hume dekhna hai. Kyun dekhna hai? Ki later on, we want to regulate the movement of Chetan Shakti. To samajh lo, ki krodh aa gaya. To krodh aa gaya, to jaise krodh flow ho raha hai, uske saath Chetan Shakti flow ho rahi hai. तो यदि चेतन शक्ति को कंट्रोल करने की एबिलिटी हमारी आ गई तो हम चेतन शक्ति को कहेंगे कि स्टॉप देयर, है ना, डोंट गो हियर, यू चेंज योर डायरेक्शन, है ना. सो जैसे कि ट्रैफिक जाम हो गया तो कॉप सेज है दिस रोड इज स्टॉप्ड, यू गेट डायरेक्ट, है ना, अदरवाइज द ट्रैफिक जाम विल कीप इंक्रीजिंग. So same way, Chetan Shakti flow ho rahi hai in the, where the accident is going to take place. So aap Chetan Shakti ko feel, first stage is to feel karna hai. Feel karna hai, to you get familiar with it. Ki how it is flowing, how it is doing. So you need to get familiarized first. You can't become boss without knowing, you know. Koi bhi software hai, koi bhi hai. So you first learn it. Familiarize it, practice it, then you can say that I am a subject matter expert. Right? Day one you are not subject matter expert. Same way, Chetan Shakti ko hume is prakar se thoda sa dekhna hai, taki our goal kya hai, ki Chetan Shakti ko hum control karke, we can move it in the correct direction, wherever we want. Aur Chetan Shakti ko kyun correct direction mein move karni hai, ye bahut important baat hai. तो इसको थोड़ा सा हम ले लेते हैं. सो कायस्थ सर्ग की दो तीन बातें मैंने बताई, इसमें और बहुत सी बातें बोलने की है, तो मे बी वी टेक वन मोर सेशन ऑन दिस, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि बाह्य जगत से हम अंतर जगत में कैसे जाए, क्योंकि सारे दुखों की जो सॉल्यूशन है वो अंतर जगत में है, क्योंकि सारे दुख अंतर जगत में जो हो रहा है उसी के कारण आ रहे हैं. हमने देखा कि कैसे कर्म का विपाक हो गया, कर्म विपाक हो गया और वहाँ से मोहनीय कर्म का उदय हो गया फिर से, और उसके कारण ये जो है कषाय उत्पन्न हो गए, क्रोध. तो ये घटना अंतर जगत में घटी है कि कर्म का उदय हो गया, उसके कारण ऐसे भाव बने, और ऐसे भाव के कारण एक कुछ निमित्त बन गया. निमित्त बाहर है बट जो क्रोध है वो अंदर है, है ना. जैसा हमने देखा था कि कुएं में बाल्टी डाल दी, पानी है तो पानी आएगा, और कुआं ड्राई है तो कुछ नहीं आएगा. तो क्रोध हमारे इसमें है, तो निमित्त कुछ बन गया तो क्रोध बाहर आ गया. यदि क्रोध है ही नहीं हमारे इसमें, तो कुछ भी निमित्त बाहर हो जाए, क्रोध बाहर नहीं आएगा. पार्श्वनाथ स्वामी बैठे हैं, कमठ उपसर्ग कर रहा है, है ना, कुछ क्रोध आया नहीं बाहर क्योंकि अंदर नहीं है. और उसके जगह हम होते तो हम तो डंडा लेके उसके पीछे, कमट के पीछे लग जाते हैं 5 मिनट के बाद, है ना. 5 मिनट टॉलरेट करते हम, अरे भाई ठीक है ठीक है ठीक है, 5 मिनट के बाद फिर, बट 3 दिन तक, है ना, पार्श्वनाथ स्वामी बैठे रहे. क्यों? अंदर क्रोध नहीं है. तो जो बाह्य निमित्त आ गया, तो जितने हमारे दुख हैं उसकी जो जड़ है वो अंतर जगत में है, और इसीलिए उसका सॉल्यूशन भी वहीं है. एंड एक बुढ़िया थी, तो बहुत बूढ़ी हो गई, और कुछ उसका कुछ कपड़ा फट गया, तो सिलाई कर रही थी बेचारी, और दिखता नहीं है फिर भी सिलाई कर रही है, तो सुई जो है उसके हाथ से निकल गई,
और ढूंढ रही है ढूंढ रही है ढूंढ रही है ढूंढ रही है, घंटा हो गया, दो घंटा हो गया, नहीं दिखती है, छोटी सी सुई और उसकी आंखें नहीं है, अंधेरा है झोपड़ी में। तो बाजू वाला आया, नेबर पूछा, क्या नानी जी क्या कर रही हो आप? अरे बेटा मेरी सुई खो गई है, ढूंढ रही है। उसने थोड़े देखा नहीं, चला गया। फिर दूसरा आया नेबर, आप क्या कर रहे हो? बेटा सुई ढूंढ रही हूँ। अरे नानी जी अंधेरे में क्या दिखेगा आपको, उजाले में ढूंढो। ठीक है भाई, नानी जी बाहर आ गई, बाहर सुई ढूंढ रही है। तीसरा आदमी आया, नानी जी क्या कर रही है? बेटा सुई ढूंढ रही हूँ। सुई कहाँ खोई? ओ अंदर खोई। फिर यहाँ क्यों ढूंढ रही हो? अंदर दिखता नहीं, अंधेरा है। उसने कहा कि उजाले में ढूंढो, तो मैं उजाले। तो ऐसी ही बात हमारी हो जाती है कि दुख आ रहे हैं अंतर जगत से और उसकी सॉल्यूशन हम बाह्य जगत में ढूंढ रहे हैं। तो जहां से आ रहे हैं वहीं ढूंढना पड़ेगा। जहां सुई खो गई है उसकी, अंधेरा है, तो वहां प्रकाश करना पड़ेगा और सुई वहां खोजनी पड़ेगी। बाहर वहां जाके खोजने में फायदा नहीं है। तो इसीलिए जो रूट कहां पे है वहां जाके उसके सॉल्यूशन हमें देंगे। तो सारे दुख हमने देखे कि कर्म विपाक के कारण हमारे दुख आ रहे हैं। तो कर्म विपाक कैसे फ्लो होता है हमने देखा था कि आत्मा है और कर्म शरीर है, फिर अध्यवसाय बनेगा, फिर अध्यवसाय से लेशा बनेगी, फिर लेशा के बाद जो है भावना बनेगी, भाव चित्त बनेगा, फिर वहाँ से जाके, और ये एनर्जी इज चेंजिंग, कर्म विपाक इज केमिकल एनर्जी, लेशा इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ऑल दैट, और आगे चल के फिर और एनर्जी इट इज चेंजिंग, तेजस बॉडी में आ गई, फिर वहाँ से वो ग्लैंड्स में जाएगी, तो इट विल बिकम अ केमिकल एनर्जी बिकॉज वो सारे सिलेक्शन आएंगे, सो इट इज़ ऑल केमिकल रिएक्शंस, सो दैट इज देयर। और फिर नर्वस सिस्टम में जाएगी, सो इट विल बी, इट इज़ फ्लोइंग थ्रू द ब्लड एंड ऑल दैट एंड दैट। और फिर फिजिकल बॉडी में आएगी, इट इज़ अ डिफरेंट यू नो मैकेनिकल एनर्जी। जाके हम किसी को मारेंगे, किसी को झापड़ मार देंगे, किसी को गाली देंगे, so this is sort of a mechanical type of energy, you know, so that's why chetan shakti ko hame feel karna hai, usko control karne ke liye, taki jahan wo chetan shakti flow ho rahi hai uski direction hum badal de, isko positive ki aur le jaye। aur yadi us skill ko hum hasil kar lete hai to definitely not 100%, बट जिस जैसी अपनी स्किल डेवलप होती जाएगी, इनिशियली मे बी ओनली 1%, देन 5%, देन 10%, है ना। जैसे आप जॉगिंग मैराथन के लिए प्रैक्टिस करते हो तो 6 मंथ 7 मंथ 8 मंथ प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना। फर्स्ट डे तो आप थोड़ा दौड़ के आएंगे तो पैर दुखेंगे, बीबी को कहेंगे कि भाई थोड़े दबा दो यार, क्या है ना। बट आफ्टर 8 मंथ्स यू विल हैव After 8 months, you will have a good skill. If not full marathon, at least you will run half marathon. Hai na? So, this is the skill you have to develop here also. So, it will definitely take time. It will definitely take persistence. Wo aapki jo dedication hai, wo sari cheeze wahan chahiye. Magar important baat jo hai ki yadi aapko control aa gaya wahan par, तो आपके दुख दूर करने का जो है टूल्स एंड टेक्निक्स आर विथ यू। तो आप ऐसे लाचार बेवस नहीं हो कि भाई ओ कोई भगवान आएगा, कोई वो आएगा, कोई गणेश जी आएंगे, कोई को नहीं, कुछ नहीं। जैनिज्म सेज बी सेल्फ रिलायंट, कोई आएगा नहीं, कोई कुछ करेगा नहीं, यू हैव टू डू एवरीथिंग। दुख आपने निर्माण किए है, दुख आपको खुद को दूर करने पड़ेंगे। दुख आने के कारण आप खुद हो, है ना।
अविजेती जो आत्मा है वो आपके दुख का कारण है, और विजेती आत्मा जो है वो आपके सुख का कारण है। तो आपका आत्मा ही आपका मित्र है, आपका आत्मा ही आपका शत्रु है। भगवान महावीर ने वेरी क्लियरली बोल दिया है कि बाहर शत्रु मित्र मत ढूंढो, सब अंदर ही है। बाहर ढूंढने में डोंट वेस्ट टाइम, है ना। वो तो हिपोक्रेसी हो जाती है, हम सोचते हैं अरे यार, बट नहीं, सारा अंदर है। तो इसीलिए ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है कि अंतर जगत में जाकर हम धीरे धीरे, इट टेक्स टाइम। पहले तो अवेयरनेस है कि भाई ये तीन गुप्ति जो है, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति, इतना बेस्ट टूल एंड टेक्निक्स दे दिए जैनिज्म ने और हम भूल गए, है ना। इतनी दुर्भाग्य, वी आर बिजी ब्लेमिंग अदर्स, और है ना। तो एक आदमी था, उसको ऐसी जनरेशन टू जनरेशन एक बॉक्स मिल गया था, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी पड़ी थी, तो उसने कभी खोला नहीं, देखा नहीं क्या है, होगा कुछ रख दिया। फिर एक दिन कोई फ्रेंड आ गया, तो उसने पूछा क्या है, तो अरे पता नहीं, वो दादाजी से वो कहीं से आ गया है, पड़ा है, क्या करना है अपने को, है ना, वी आर बाइंग द लेटेस्ट स्टफ, ये ओल्ड। तो उस फ्रेंड ने ओपन किया, तो बोले यहाँ तो ये वैल्यूबल चीज़ है, ये डायमंड है, अनकट डायमंड है, इसको कट करके तू करेगा तो लखोपति बन जाएगा। तो ऐसी हमारी हालत है, तीन गुप्ति के डायमंड जैनिज्म ने दे दिए है, भगवान महावीर ने दे दिए है, मगर उसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। हाँ, कहीं पूजा में हम मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति करके करके चढ़ा देते हैं, हाँ, हम समझ देते कि दुख दूर हो गए, है ना। तो जो ये टेक्निक टूल टेक्निक है तीन गुप्ति की, बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके दुख मुक्ति का साधन बन सकती है, बट कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है। हैरी पॉटर की मैजिक स्टिक नहीं कि कर दिया और हो गया, अलाउद्दीन का जादू का दिया नहीं है। यू हैव टू वर्क हार्ड, आपको स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, और मैं आपको डेफिनेटली कहता हूँ कि इजी है, इट इज़ नहीं डिफिकल्ट। बहुत मेडिटेशन में 30 साल से लोगों को सिखाता हूँ, फ्री सिखाता हूँ, अटलांटा सेंटर में 14 ईयर्स मैंने सिखाया। सो रियली ये टेक्निक्स टूल्स जो है रियली जैनिज्म ने हमको दे दिए है, इसका यूज़ डेफिनेटली करना चाहिए, इसकी अवेयरनेस आनी चाहिए हमें कि रिचुअल एक बात है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, नहीं कि उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, बट रिचुअल विल टेक यू ओनली टू सो मच, है ना। आफ्टर दैट यू हैव टू डू, तो कर्म जो है, कर्म का क्षय कैसे होता है कि ध्यान में, भगवान महावीर ने वेरी क्लियर लिखा है कि ध्यान में जो शक्ति हम निर्माण करेंगे उसको हम इसलिए तप कहते हैं कि इट जनरेट्स द एनर्जी, अग्नि, है ना। वो अग्नि में कर्म जल जाएंगे, कर्म को जलाना पड़ता है, वो ऐसे जाते नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं ना, कर्म भूवृताम, है ना, मोक्ष मार्ग से नितारम बेहतारम कर्म भूवृताम, सारे कर्मों को जला दिया जिन्होंने। सो इसीलिए तप की बात है। तो आगे चलकर तप में का ये जो है कायोत्सर्ग इज द लास्ट वन, बाकी पहले मैंने नहीं की, क्योंकि क्या होता है, एक तप के बारे में बड़ी गलत फहमी हम लोगों की है कि ये तप सिक्वेंशियल है, पहले बाह्य तप छः,
फिर छः अंतर तप है ना डिवीजन है, तो लोग कहते हैं अरे पहले छः तो कंप्लीट करें जो बाह्य है, जो कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद छः अंतर तप करेंगे। तो छः बाह्य तप करते करते ज़िंदगी निकल जाती है, अंतर तप करने का मौका ही नहीं आता। तो छः बारह तप जो है अलग नहीं है, जैसे कि दशलक्षण के दशलक्षण दश धर्म नहीं है, अलग अलग एक धर्म नहीं है, वो एक फूल है उसके दस पंखुड़ियाँ जो होती है 10 पेटल्स होती है, सो वो 10 पेटल्स मिल के एक धर्म होता है। तो इसीलिए धर्म के दशलक्षण, मगर क्या होता है कि हम दश धर्म कभी कह देते हैं तो एक गलत फहमी पैदा होती कि ये अलग अलग धर्म है दश, उत्तम क्षमा मार्द और जो सच सत्य संयम तप त्याग और किंचन ब्रह्मचर्य, दस है अलग दस है नहीं, दे आर 10 पेटल्स ऑफ द सेम फ्लावर। और ऐसे नहीं कि क्षमा के दिन क्षमा करना है और बाकी 9 भूल जाने हैं, फिर मार्दव आ गया मार्दव किया बाकी 9 भूल गए, ऐसे नहीं होता है। एवरी डे यू हैव टू डू ऑल द 10। मगर क्योंकि जब हम डिस्कस करते हैं लैंग्वेज की लिमिटेशन होती है कि सिक्वेंशियली जाना पड़ता है। अभी समझो यहाँ इतने लोग बैठे हैं, किसी ने मुझे कहा कि 10 आदमी के नाम बताओ, तो 10 आदमी यहाँ एक साथ बैठे हैं मगर नाम मुझे लेना है तो एक के बाद एक ही लेने पड़ेंगे, है ना, आई कैन नॉट टेक 10 नेम्स एट द सेम टाइम। तो इसी प्रकार दशलक्षण जो है वो सिक्वेंशियली ओनली बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज लिमिटेशन बोले हैं, बट दे नीड टू बी एक साथ सारे करने हैं, और 10 में से कोई भी एक सध जाएगा तो बाकी 9 ऑटोमेटिकली सज जाएगा। वो एक ही फ्लावर है, एक ही फ्लावर है, सो दिस इज सेम वे 12 तप जो है इट इज 1 फ्लावर एंड 12 पेटल्स, वो अलग अलग नहीं है, अलग अलग समझाने के लिए बोले हैं, क्योंकि हमारी समझने की कैपेसिटी लिमिटेड है, नॉलेज हमारा लिमिटेड है, हमारी इंटरेस्ट और लिमिटेड है, बहुत कम इंटरेस्ट है, तो इसलिए वो 12 बताए हैं तब। मगर 12 जो है पेटल्स है ऑफ द सेम फ्लावर, इसको याद रखना है, एंड 10 टू बी डन टुगेदर। इसीलिए कायोत्सर्ग फिर भी लास्ट होगा तो भी वो इम्पोर्टेंट है, एंड अंतर जगत को जाने के लिए दिस इज द ब्रिज। तो आई थॉट कि ये थोड़ा सा आपसे थोड़ा डिस्कस कर लो, और कोई 1-2 सवाल होंगे तो हम ले लेंगे, अदरवाइज वी क्लोज दिस। ओम आराम। ब्रीद इनहेल और एक्सहेल करने का टाइमिंग सेम इज आइडियल बट नीड नॉट बी यू नो दिस इज द आइडियल कंडीशन कि इनहेल, तो क्या होता है कि एक सिंक्रोनाइजेशन पैदा हो जाती है। सी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है कायोत्सर्ग में, अभी थोड़ा सा टाइम बिकॉज वी नीड टू डिस्कस कायोत्सर्ग वन मोर सेशन, मे बी आई विल सी। तो इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है कि जो बॉडी के अंदर हारमोनी जो होती है दैट इज कम्प्लीटली डिस्टर्ब बाय अस, और जो हारमोनी डिस्टर्ब हो गई तो सारे डिसीज आ जाते हैं बॉडी में। बॉडी में डिसीज आ रहे हैं इसका मतलब कि हमने सारी हारमोनी डिस्टर्ब कर ली। एक सिंपल एग्जांपल कि हमारी बॉडी इज सिंक्रोनाइज विद द सन कम्प्लीटली, ये तो हमें बिल्कुल रिमेंबर करनी ही है। हाँ, तो आप रात को जागेंगे, समझो 11 बजे आपने खा लिया, बहुत बिजी थे, कुछ बिजी होके आ गए घर में, थक के आ गए, अरे क्या है कुछ नहीं तो खाकरा तो है, हाँ बाकी कुछ नहीं, खाकरा तो है अपने पास, कुछ ढोकला भी होगा कुछ भी होगा, और रात को हम खा लेते हैं कि भूख लगी है तो खाना पड़ेगा, बट यू आर डिस्टर्बिंग द होल साइकिल, क्योंकि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम सनसेट के साथ बंद हो गई। हम भूल जाते हैं इस बात को, है ना, जो भगवान महावीर ने